पर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। सुबह के 11:53 हो रहे हैं और अनिल सर का वीडियो यहाँ पे सजेशन में दिखा रहा है। आज निकलना है दिल्ली के लिए। विक्टोरिया अगेन, हाय विक्टोरिया, हाउ आर यू? ये लोग एज ए ट्रेवलर आए थे यहाँ इंडिया में और अभी इन्होंने धूम मचा के रखा है पूरे ऋषिकेश में। सब लोग इनसे टैटू बनवा रहे हैं, इनके डिमांड इतने हाई हो गए ना, क्योंकि विक्टोरिया इतना अच्छा टैटू बनाती है मैं बता नहीं सकता, आपको खुद दिखाएगी। सो कैन यू शो सम? सो दिस वन इज द टैटू। अगर कोई टैटू के लिए मतलब खोज रहा है किसी को, वाओ देखो इस, ये टैटू बहुत रेयर है। दिस वन इज़ वेरी रेयर, आई मीन ऑन द पाम्स। हाउ कैन यू लाइक डू अ टैटू? एंड योर कैट, अभी दिखाएंगे अपना ये कैट। ओ वाओ, ओ मैन, ओ मैन। तो इफ़ यू वांट गाइस, सो एनीबडी वांट्स टू डू सम लाइक टैटू वर्क फ्रॉम यू गाइस, ऋषिकेश अगर आप आ रहे हैं, अगर आपको टैटू बनवाना है, शौक है, इंस्टाग्राम या नंबर दे देता हूं मैं आप लोगों को, अगर टैटू का शौक है तो इनसे कांटेक्ट जरूर। थैंक यू, बाय। चलिए चलते हैं, बाइक लोड हो चुका है, दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों का कमेंट्स आता है, मैं पढ़ता भी हूँ यार कमेंट्स, और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। दोस्तों वीडियो एडिट करने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी। सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश में आज इसीलिए रुका था कि आप लोगों के लिए कंटिन्यू व्लॉग्स आ सकें, फाइनली आज चेकआउट करके। इसीलिए आप लोग हमेशा देखते होंगे मैं होटल से 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे ऐसे निकलता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है, एंड किसी को भी टाइम लगता है, जो भी वीडियो एडिटर्स हैं, कि लगभग 5 घंटे तो कम से कम लगते ही हैं। ऋषिकेश से बाहर निकल रहे हैं, पहले तो सबसे पहले खाना खाना है यार, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। एडिटिंग 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 बहुत, अगर कोई सबसे स्ट्रगलिंग पार्ट होगा ना जो कि कैमरा पे नहीं दिखता है, वो है एडिटिंग वीडियो का। वीडियो रिकॉर्ड करने में भी मेहनत नहीं लगती, ट्रिप करने में भी मेहनत नहीं लगती, पर वीडियो को एडिट करने में जो मेहनत लगती है ना बॉस, 250 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली, कोशिश करेंगे कि 3-3.5 घंटे में कम्प्लीट करके सीधा BMW का ही गूगल लोकेशन मैप में लगाऊंगा। लक्ष्मण झूला तो बंद ही हो गया, राम झूला से होके नहीं जाना है, हम लोगों को जाना है जानकी झूला से, क्योंकि जानकी झूला ब्रॉड है एंड वहाँ पे वन वे अलग अलग बनाया हुआ है, तो वहाँ से जल्दी निकल पाएंगे ऋषिकेश से बाहर। कल रात में दोस्तों मैंने यहाँ पे हिरन देखा था, पर लोगों से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं, इस जंगल में वो लोग घूमते रहते हैं, साथ ही साथ लियोपॉड भी है, मतलब तेंदुए भी हैं, और पानी पीने के लिए गंगा में उतरते हैं। काफ़ी सारे लोगों से फिर बात हुई तो होटल वाले भैया ने भी बताया कि यहाँ पे तेंदुआ है, उन्होंने अपने आँखों से तेंदुआ को पानी पीते हुए देखा है, एंड वो लोग एंड उन लोगों का पूरा फट के हाथ में आ गया था जब वो लोग रात को क्रॉस कर रहे थे तपोवन वाले साइड से। तो तपोवन में इस साइड यहाँ पे तेंदुए रेयरली दिख जाते हैं, एंड हिरन आपको कॉमनली दिख जाएंगे। जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया यार, आज रिवर राफ्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बाय बाय ऋषिकेश एंड बाय बाय उत्तराखंड, विल कम बैक सून आफ्टर बिहार राइड। ये ट्रायल राइड था एंड ट्रायल राइड में 2 प्रॉब्लम्स तो निकल ही गई। BMW को बोला कि भाई फैन काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने बोला था ना ट्रायल राइड लेने के लिए। इवन मैंने 100 किलोमीटर का टेस्ट राइड BMW को बोला था कि आपके मैकेनिक 100 किलोमीटर का टेस्ट राइड ले, आप लोगों को याद होगा पुराने वीडियोस में, बट पता नहीं फिर से क्या हो गया, आप जाते हैं तो पूछते हैं। तो भैया हम लोग आ चुके हैं राजस्थानी स्वीट्स, यहाँ पे जो खाना है ना भाई, आई कैन बेट यू ऋषिकेश में आओ, त्रिवेणी घाट चौक पे है, इससे बेस्ट खाना मतलब इंडिया में कहीं आप ट्रेवल करेंगे तो वहाँ खोजना मुश्किल है, इंडिया में मैं बता रहा हूँ। हाईली रिकमेंडेड प्लेस, हाईली रिकमेंडेड, पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन एम्स ऋषिकेश। खाना भी खा ही लिया है, रेस्ट भी हो ही गया है, हाइपर राइड होने वाली है, कोशिश करूंगा कि मैं एक ब्रेक लूँ, 125 किलोमीटर पे मेरा पहला ब्रेक होगा तो यस, एंड दूसरा ब्रेक सीधा दिल्ली। गलती ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, चीला डैम वाला रास्ता छोड़ के, कहाँ छूटा ये नहीं पता, पर छूट चुका है पीछे रास्ता, हरिद्वार तक तो जाम है ही। अरे माँ बाप रे बाप, इतना लंबा जाम। चलो आप लोग चीला डैम होके आना, अगर आप लोगों को आना है तो। जाम से निकलने के बाद की खुशी, मैं तो निकल गया। तो हम लोग अभी राजा जी नेशनल पार्क से क्रॉस कर रहे हैं, मस्त सा व्यू, दोनों तरफ जंगल ही जंगल, खतरनाक रास्ता लग रहा है भाई ये, अगर सोचो इसमें रात में अगर ट्रैवल करोगे तो कितना डरावना लगेगा, रास्ते जितने डरावने हो उतना ही मजा आता है, हॉरर वाला फिल्म सब देखते थे ना पहले। भाई आज बाइक कुछ ज्यादा ही भाग रहा है, फ्री फ्री सा लग रहा है पूरा। तो वो है माता मनसा देवी का मंदिर और हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं। हेलो, हाँ नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया, मैं शांतन बोल रहा हूँ बाइक से। हाँ जी, हाँ जी भैया, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो आया हूँ इधर से लौट के जाने के लिए, दिक्कत नहीं है मैं दे देता हूँ। और टूर बढ़िया रहा? बहुत बढ़िया रहा, बस वही शॉकर वाइल लीक कर गया मेरा बाइक का, BMW का, इसीलिए वापस जल्दी जल्दी मैं लौट रहा हूँ, वारंटी पीरियड खत्म हो रहा है बाइक का इसीलिए।
आज ही खत्म हो। अच्छा 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 फिर आता हूँ तो मिलता हूँ ना, सुबह बताते ना कि आप आ जा रहे हैं। हाँ तो मैं भी मिलता हूँ ऑफिस से। अचानक से निकलना पड़ा, सुबह ही कॉल आया कि आज ही लास्ट वारंटी डेट है, इनको दे देंगे। हाँ अमन, अमन को दे देना आप। कितना लीटर फिक्स किए हो क्या? नहीं नहीं फुल है ना, जीरो करो ना। अच्छा ये गाड़ी में पाउच डलता है क्या, पीने वाला पाउच? मेरे पास भी स्कूटर है, उसमें भी वो सर्वोलिन का डालते हैं हम लोग। चल भाई थैंक यू। वेलकम भैया। फर्स्ट टोल प्लाजा ऑन द रूट। आई डोंट नो कौन सा गेट है ये, बट यहाँ पे लिखा हुआ था IIT रुड़की, और मैं मामा के पास लास्ट टाइम गया था तो वो सिटी के अंदर था। अब ये IIT रुड़की कौन सा है वो नहीं पता। देखो एक लाइन से कितने सारे चिमनी के भट्टे हैं। ओह भाई आज तक नहीं देखा, जिधर नज़र घुमा उधर ही चिमनी 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 पूरा। ये चिमनी गांव है क्या? देखो कितने सारे चिमनीज हैं। सहारनपुर को अभी क्रॉस कर रहे हैं। रास्ते में सुंदर सुंदर फल को देख के मन कर रहा है रुक जाऊं, पर नहीं, मुजफ्फरनगर को क्रॉस करके ही पहला ब्रेक लूंगा। मुजफ्फरनगर अभी है 50 किलोमीटर और, मेरठ 90, दिल्ली 159, 159, हिटिंग सेकंड टोल प्लाजा ऑन द रूट। प्यास तो बहुत जोर की लग गई है भाई, डिहाइड्रेशन हो रहा है यार। इट्स अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस इन उत्तर प्रदेश। ओ वाओ लुक एट द किया कार्निवल, बहुत अच्छी दिखती है यार ये। पानी का प्यास पानी ही बुझा सकता है यार। पानी यहाँ पे नहीं है, सबको फ्री कर देना चाहिए। फास्टैग लगने के बाद भी फास्ट काम हो नहीं रहा। मेरठ से जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते। मेरठ का क्या फेमस है? हाँ मेरठ का वो बिस्किट छोटा वाला काफ़ी डेवलप कर गया है। मैं लास्ट टाइम 2012 या 2013 में मेरठ आया था दोस्तों, शायद मैंने कभी पिछले ब्लॉग्स में नहीं बताया हो, बट हाँ मैं यहाँ पे स्कूल में एडमिशन के लिए आया था। सनलाइट डायरेक्ट सीधा आंखों पे पड़ रही है। शाम होने को है और हाईवे से नज़ारे रुक रुक के देखे जा रहे हैं। ऐसा क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लुक। सो ये एयर इंडिया का एक फ्लाइट है जो कि अब दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच में आप लोगों को रोड के किनारे दिख जाएगा, और पता नहीं ये यहाँ पे क्या कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या किया जाएगा इसके साथ, पर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलिए भाई। अरे यार ओ फक, दो मुंह वाला सांप है मेरे तो। हाँ सांप है अंकल। अरे अंकल सांप है, आपको दो मुंह वाला सांप है अंकल, मैं आपको बता रहा हूँ ये सांप है। तो